वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के क्लास में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे, तीन पार्ट में अपने डिवाइड कर देते हैं आज के क्लास को। पहला पार्ट में मैं तुम्हारे जो मैंने वीडियोस में असाइनमेंट्स अपलोड किए थे उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट्स भेजा है, तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस लिखूंगा और उनके सॉल्यूशंस लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वो तुम लोग अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लेना। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं शीट में कराते टाइम तुमको बोलता था ये नोट्स में लिख लो, तो तुमको जो भी मैं क्वेश्चंस अभी कराऊंगा वो सारी चीजें तुमको नोट्स में लिखनी है। सेकंड पार्ट में मैं तुमको बहुत सारे लोगों ने मुझे थ्योरेटिकल डाउट्स भेजे अपने, जो मैंने पढ़ाया उसमें थ्योरी में बहुत सारे लोगों को डाउट्स आया कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो वो सारी चीजें मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। फिर से वो सारी चीजें तुम दोबारा नोट्स में लिख लोगे अपने, एक्स्ट्रा करके लिख लेना, लास्ट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हेडिंग डाल के लिख लेना। और तीसरे पार्ट में मैंने शीट अपलोड की थी ग्रुप्स में, और शायद तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कर लिए, तो जिन लोगों ने भी कर लिए वो मुझे डाउट्स भेजे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, सबका नाम लेके मैं सारे डाउट्स बता दूंगा तुमको। ठीक है, तुम्हारा काम बस ये रहेगा कि तुम सारी चीजें नोट्स में नोट कर लेना, और जिन लोगों ने शीट नहीं किया है वो शीट कंप्लीट कर लो और डाउट्स भेज देना मुझे, तो अपने एक और डाउट क्लास लगा लेंगे मंडे ट्यूजडे को कभी भी जब सब लोगों का हो जाएगा। तो तुम्हारा काम रहेगा बस शीट कंप्लीट कर लो और मुझे सारे डाउट्स भेज दो, मैं इसी तरीके से सब डिस्कस करके एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले जो मैंने वीडियोस में असाइनमेंट्स अपलोड किए थे उसमें थोड़े बहुत डाउट्स हैं, 5-6 सवाल डाउट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं एक एक करके नाम भी ले लूंगा कि मुझे किसने डाउट पूछा है, तो नोट्स में नोट कर लेना, खुद के भी डाउट देख लेना, और बाकी सबको भी यही बोल रहा हूँ कि सबके सब ये क्वेश्चन अपने नोट्स में अपलोड करो, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ये असाइनमेंट्स है जो मैंने वीडियोस में अपलोड किया था उसके दो क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों ने डाउट पूछा है, ये मुझे तेजस्विनी और ऋषि ने डाउट पूछा है, और भी दो तीन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं, एक्स एक सेट है जिसमें ये पांच एलिमेंट्स है, वाई एक सेट है जिसमें ये पांच एलिमेंट्स है, हमको बताना है इनमें से कौन कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए कि हमको एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसके बीच में रिलेशन ये दिया हुआ है, x को इसमें से निकालना है और y को इसमें से निकालना है। तो तुम देखो x को जब मैं 1 रखूंगा, मैं x स्टार्ट करता हूँ 1 रख के, 1 रखूंगा तो y क्या आएगा, 3। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये रिलेशन है 1 का 3 से। नेक्स्ट जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो y क्या आएगा, 4। 4 है क्या उसमें, नहीं है, तो नहीं लिखूंगा। x यहाँ पे पुट करूंगा 3 तो y क्या आएगा, 5, तो 3, 5। x को 4 पुट करूंगा तो y आएगा 6, नहीं है उसमें, तो नहीं लिख रहा। x को 5 पुट करूंगा तो y क्या आएगा, 7। हो गया, तो ये रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन है क्या, हाँ है, रिलेशन बना ही दिया मैंने, तो रिलेशन तो है ही, पर रिलेशन दे के दिया। नेक्स्ट आर टू देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तुमको पता है पहली एंट्री हम x में से निकालते हैं और दूसरी एंट्री हम y से निकालते हैं, तो पहली एंट्री क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरी एंट्री क्या है, 1, 3, 3, 5 इसमें है, तो ये भी रिलेशन है। देखते जाओ पूरा क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। आर थ्री देखेंगे तो इसमें पहली एंट्री है 1, 1, 3, 3, 5, 1, 3, 5, ठीक है, और दूसरी एंट्री है 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ये भी रिलेशन है। अब ये देखते हैं, इसमें पहली एंट्री है 1, 2, 7, 1, 2, अरे यार इसमें 7 तो नहीं है, और दूसरी एंट्री अगर देखोगे तो 3, 5, 4, 9, 3, 5, 4 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो एक्स की होनी चाहिए थी और x में 7 तो है नहीं, पर यहाँ पे 7 मेंशन है, तो ये रिलेशन है। तो सवाल था कि ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन, इसका आंसर है a कॉमा b कॉमा c। अगर ऐसा लिखा रहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन, तो इसका आंसर आता d। ठीक है, तो ये हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल, a एक सेट है abc, b एक सेट है 1, 2, कंसीडर अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट a से लेके सेट b की तरफ एक रिलेशन डिफाइंड है, तो R is equal to, तो मैंने तुमको पहले ही बोला था, पढ़ाते वक्त ही बोला था, अभी मैं जब थियोरेटिकल डाउट बताऊंगा तो उसमें ये भी डिस्कस करूंगा मैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। R is a subset of A cross B, ये लिखा है तो मैंने और बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, R हमेशा A cross B में से ही आता है कोई ना कोई, तो C हो गया इसका आंसर। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है, ये भी मुझे सेम लोगों ने ही डाउट पूछा है, तो दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, इसमें मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये साइन देख के प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया या मुझसे नहीं पढ़ा है सेट्स, वो लोग शायद इस वाले साइन में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये साइन का मतलब
such that, ठीक है, x और y is such that x square minus y square का mod 16 से छोटा है, और ये कौन से सेट में डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 सेट में डिफाइंड है, तो हमको बताना है क्या-क्या रिलेशन आएगा। तो मैं वैसे ही स्टार्ट करूंगा यार, x को 1 पुट करूंगा और फिर देखूंगा y क्या-क्या रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x को 1 पुट किया, अब y रख रख के देख रहा हूं, y को मैंने रखा 1 यहां पर, 1 तो 1 minus 1 0, 0 16 से छोटा है क्या, है तो 1,1 हो गया एक रिलेशन, सारे रिलेशंस मैं यहां लिख देता हूं, 1,1 हो गया एक रिलेशन। नेक्स्ट x y को मैंने 2 पुट किया, तो 1 minus 4 minus 3 छोटा है क्या, हां है तो 1,3 हो गया। नेक्स्ट मैंने 3 पुट किया, सॉरी 2 पुट 2 1,2। नेक्स्ट मैंने 3 पुट किया, तो 1 minus 9 minus 8 का मॉड छोटा है 16 से, 1,3 रिलेशन हो गया। नेक्स्ट मैंने 4 पुट किया, तो 1 minus 16 15 है, 1,4 हो गया। नेक्स्ट मैंने 5 पुट किया, तो 1 minus 25 minus 24 का मॉड 24 16 से छोटा है क्या, नहीं तो 16 हो गया। ठीक है, हमको क्या पूछा है इसमें, हमको सारे रिलेशंस पूछा है। तो अब नेक्स्ट मैंने x को यहां पे, जैसे मैंने पहले 1 पुट किया था, मैं x को 2 पुट कर रहा हूं, 2 minus y square is less than 16, 2 2 पुट करूंगा तो यहां 4 हो जाएगा, 4 minus y square is less than 16, तो फिर मैंने 1 पुट किया, 4 minus 1 3, तो सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट मैंने 2 पुट किया, तो 4 minus 4 0, तो 2 का 2 से। नेक्स्ट मैंने 3 पुट किया, तो 4 minus 9 छोटा है, 2 का 3 से। नेक्स्ट मैंने 4 पुट किया, तो 4 minus 16 सेटिस्फाई, एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी बनेंगे तुम लिख लो। तो मुझे तो देख के कोई भी नहीं लग रहा है वैसे, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए, किसी में भी 8 तो लिखे ही नहीं है, इसका मतलब इसके आंसर नहीं है। तुम सारे लिख लेना जितने भी आएंगे आंसर होगा। ठीक है, आगे 3 पुट करना, 4 पुट करना और 5 पुट करना, अब चेक कर लेना सारे कौन-कौन से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का जो तुमने डाउट पूछा है, ये देख लो क्या लिखा हुआ है। एक रिलेशन डिफाइंड इन नेचुरल नंबर्स का, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, और ऑर्डर पेयर ऐसा है कि a और b के बीच का डिफरेंस 3 है, तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, a minus b is equal to 3, ये है रिलेशन। अब मेरे को बताना है ऑर्डर पेयर्स क्या-क्या बनेंगे, तो मैं स्टार्ट करता हूं, a को लूंगा 1, तो b आएगा इफ a is equal to 1, b आएगा माइनस 2, माइनस 2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो a सेटिस्फाई नहीं हुआ। सिमिलरली a को लो 2, a को लो 3, सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर a को लेना 4, जैसे ही 4 लोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, तो एक रिलेशन आ गया 4,1। सिमिलरली 5 लोगे तो 2, 6 लोगे तो 3, ये आ गया आंसर c इसका 4,1। तुम सीधा ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। तो हो गया मेरे हिसाब से असाइनमेंट्स के डाउट, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा तुमने, ये सब बन जाने चाहिए थे तुम लोगों से, ये रुचि ने पूछा था मेरे से, ये सब कर लो तुम लोग खुद से और नोट कर लो अपने नोट्स में। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर के थोड़े बहुत डाउट्स हैं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हो, अब लेक्चर के डाउट्स अपने